On passage to Valparaiso, vessel is scheduled to pass close to a small rocky outcrop with numerous low-lying reefs to the north of this rock. Okay, so just before arriving to this area, the vessel encounters heavy rain, which severely restricts the visibility. Systematic plot of all targets in the vicinity is commenced at 20:20 hours for a period of next 15 minutes. As shown on worksheet question 3, target A is known to be the above mentioned rock and target B is a vessel. Own vessel is steering 100 true and reduce speed of 12 knots. So complete the radar plot on worksheet question 3. Determine the set and rate of current affecting the vessel. Prepare full report of target B and analyze the situation. 10 marks. So can you just go ahead with that quickly? तो इसका भी जो आपका कॉपी मिला था एसक्यूएस पेपर एग्जाम में, दैट वाज आल्सो वेरी पुअर क्वालिटी का. तो इसमें अगर आपका प्रिंट आउट में एकदम फेंट आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको एक पेन लेके आप उसको डार्क कर दीजिए. डार्क, इट्स ओके. क्वेश्चन ही खोल दीजिएगा.
सर सेट एंड रेट इज 339.3.2। फोर जीरो एट जीरो 20 नोट्स, रुपीज 0, 20, 55 एंड R23। ओके सर, ये आ गया सब करेक्ट है। यस Everyone done that? सर। Okay. So determine part C में जा रहे हैं. Determine the new speed required by own vessel at 2035 to obtain a CPA of 1.5 miles with target B. वो clearly बोल रहा है reduction in speed. वो एक ओडब्ल्यू को नहीं काट रहा है, प्रताप फिर से बोलिए. तो ओडब्ल्यू को नहीं काट रहा है वो। तो इसमें डिले नहीं है ना. डिले है ना सर, 5 मिनट्स 5 मिनट सर डिले है। नहीं है सर, 20 के बाद 35 पे बोला ना सर, सीधे 15 मिनट का प्लॉट है ये। हाँ डिले नहीं है मेरे ख्याल से कुछ.
क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्वेश्चन। आ 2035 बोल रहा है ना, 2020 आर से थर्टी फाइव लेके हाँ ओके। हाँ डिले नहीं है। नेक्स्ट 15 मिनट्स है। ओके इसमें डीले नहीं था इसलिए हम लोगों ने सीधा एसी कट कर दिया, क्योंकि इसमें डिस्टेंसली कट कर दिया। डीले हाँ डिले नहीं किया स्टॉप इसमें। करना पड़ेगा सर, हाँ दिस वी हैव टू स्टॉप स्टॉप, करना पड़ेगा, डब्ल्यू वी हैव टू स्टॉप। के पास यस ही काट रहा है, क्योंकि सर ओए लाइन अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो मतलब ये ओए तो सर बीच में जा रहा है, सीपीए 0 आ रहा है, तो अगर जो हमारा डब्ल्यू ए है यही सर एक्सटेंड होके 1.5 माइल बन रहा है राइट। सीपीए। तो इसके लिए वन वेसल मस्ट स्टॉप राइट। वैसे ओवन हो वैसे स्पीड इज जीरो। एवरीवन इज देयर। यस सर। फिर बोलता है जस्टिफाई योर एक्शन इन सी एज पर रूल नंबर 19 एज गुड प्रैक्टिस ऑफ सीमेनशिप। सर एज पर रूल नंबर 19 सर, वी द वेसल अबाफ्ट अब आवर बीम, वी शुड नॉट ऑल्टर टुवर्ड्स द वेसल, सो वी कैन नॉट गो टू स्टारबोर्ड एज वेल एज टू द पोर्ट बिकॉज देयर आर सम लो लाइंग रॉक्स, सो वी यस हैव ओनली द ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग स्पीड और स्लोइंग डाउन और मींस और स्टॉपिंग ऑल वे ऑफ। हाँ और स्टॉपिंग सर, सो इन वेसल टू दिस बी स्टॉप फॉर एंड मेंटेनिंग लुकिंग फॉर 1.5 मिनिमम लीटर टू स्टॉप। स्टीयरेज। योगेश यहाँ पे ऑल द वे ऑफ नहीं बोलना चाहिए। ऑल द वे ऑफ का मतलब है आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा है कि नहीं। यू स्टॉप योर वेसल ऑल द एक्शंस आर इंस्टेंटेनियस है ना। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओन वेसल डिसाइड टू रिज्यूम द स्पीड बैक 12 नॉट्स एट पॉइंट वी व्हेन टारगेट बी इज बियरिंग 120 डिग्री। ये तो समरी था। क्वेश्चन से कैलकुलेट द टाइम दैट टारगेट बी विल बी एट बियरिंग 120। व्हाट टाइम यू विल रिज्यूम बैक योर स्पीड दैट्स व्हाट इज आस्किंग। आफ्टर 18 मिनट्स आई एम गेटिंग 16.16 मिनट्स। आ गए।
वी शुड अवॉइड गोइंग टू स्टारबोर्ड टू द अदर वन. वी कैन नॉट गो टू पोर्ट लैग ऑफ. टाइम नहीं लिखा मैंने. हाउ मच यू आर गेटिंग बाबा? I am getting 16.2, so I got took 16 minutes. Sir. 16 minutes. Okay. I got 18 minutes. 18 minutes. 2051 पे सर ऑल्टर करेंगे इसके सर. बेसिकली सर हम लोगों ने सेंटर से 120 डिग्री पे एक बेयरिंग मारा और वही सर OA लाइन को एक्सटेंड किया 1.5 माइल के CPA से आगे बढ़ते बढ़ते जहां तक वो आया A से लेके सर 120 की बेयरिंग यहां पे कट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस लेके और जो नेक्स्ट शिप की स्पीड है क्योंकि अपना तो जीरो है सर हाँ यही मैं सुनना चाहता था. वेरी गुड. के ही हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया तो मुझे 16.2 मिनट्स मिला सर. यही मैं सुनना चाह रहा था कि इसमें ओन वेसल तो जीरो है तो 120 पे जाएगा वो टारगेट वेसल की स्पीड से. तो सेम अप्रोच लाइन पे ही करना है ना वो 120 क्रॉस करना है. जी. तुमको डिस्टेंस कितना मिला ए से लेके 120 तक? यानी मेरे को तो 5.4 मिल रहा है. नहीं मतलब 5.4. आपको कितना? 5.4. 5.4 डिवाइड बाय 20 तो फिर ये 16 मिनट ही आ रहा होगा ना कुछ तो भी. डिवाइड बाय 20 टारगेट वेसल स्पीड. टारगेट वेसल का स्पीड तो 20 है ना. हाँ मैंने ओए से किया कैलकुलेट. OA तो OA जो है वो नहीं यू आर सेइंग हाँ राइट पर अभी जब अपना स्पीड जीरो हो गया तो ओ हाँ एंड ओके डब्ल्यू ए सेम हो गया ओ से कुछ नहीं होता है तो वी हैव टू कैलकुलेट विद द टारगेट वर्सेस स्पीड व्हिच इज 20. सो 5.4 में कितना जाएगा? ओके राइट राइट. डब्ल्यू और में ओ ट्वेंटी तो फाइव एक ही पॉइंट पॉइंट हो गया ना. अब डब्ल्यू और ओ एक ही पॉइंट हो गया है. 5.4 इनटू 60 बाय 20. 16.2 मिनट्स. वही मेरे को भी मिला. वही अप्रोच लाइन का स्पीड नहीं लेना. अप्रोच विल बी सेम बट स्पीड विल बी द अदर वर्सेस. We have 2 months. Okay. हाँ 16 मिनट किया होता मैंने. मेरे को लगा डी है वो ई पार्ट में. एवरीवन इज देयर नेक्स्ट पार्ट चले. यस सर. दिस इज स्लाइड नंबर 12. नेक्स्ट पार्ट में बोलता है डिटरमिन द न्यू कोर्स ऑफ ओन वेसल वुड नीड टू स्टीयर टू पास टू द साउथवर्ड ऑफ रॉक व्हाइल मेंटेनिंग सीपीए ऑफ 2 माइल्स. ये हम लोगों ने कल भी किया था राइट. सर इस पे भी पहले उतना ही रन लगाना पड़ेगा ना सर. हमें से अगेन रन उतना लगाना पड़ेगा ना जितना वहां पे लगाया है 15 मिनट्स का पहले. वैसे स्टॉप है ना. स्टॉप है ना वैसे. 35 पे तो ए पॉइंट से लेंगे 2 माइल्स अच्छा कट हाँ मतलब करेंगे तो स्टॉप है. बट करंट आपका एप्लीकेबल है उतने मिनट के लिए आपको करंट लगाना पड़ेगा.
15.2 मिनट्स के लिए करंट लगा रहा है, 3.2। सर 16 मिनट के लिए करंट लगा देंगे। जी सर ये करंट कैसे अप्लाई करेंगे सर, अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट अपोजिट किया वेसल इज ड्रिफ्टिंग दैट साइड, तो रॉक विल बी कमिंग टुवर्ड्स अस ना, इसके लिए पॉइंट अपोजिट साइड। जी अपोजिट पॉइंट इट लगा के वहां से अप्रोच करेंगे। जी ओरिजिनल डब्ल्यू सही किसने दे? अगेन ओरिजिनल डब्ल्यू सही लेना है उसके बाद। हाँ ये वाला प्लॉट हो गया आपका, अभी सर वो डब्ल्यू ट्रांसफर कीजिए, ऑल्टर जाओ कोर्स पता चल जाएगा आप। डब्ल्यू पे कर रहा है। हाँ जी ए पे जी ए पे ट्रांसफर करते हैं ना हाँ सर आपको, सॉरी सर, सॉरी और डब्ल्यू पे कंपास रख के आप ऑर्डर करोगे स्टाफ। वन 1 8 आ रहा है सर। वेरी गुड, लेट्स सी, आई एम गेटिंग 116, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर हमारा इनिशियल स्पीड भी 12 नॉट्स ही था ना पहले? हाँ शुरू में भी 12 नॉट था जी, स्पीड चेंज होता है यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, से अगेन। अगर स्पीड चेंज होता है तो हाँ तो फिर यहाँ पे नया ट्रायंगल अप्लाई होगा। वो इनिशियल ट्रायंगल में उतना स्पीड कम करना है, डब्ल्यू को कम करना है एक्चुअल डब्ल्यू को, जी, एंड देन विल अप्लाई अकॉर्डिंग। डब्ल्यू ओ जो लाइन है आपकी उसी में कम करके यू कैन फाइंड आउट। पर यहां पे स्पीड कम करके आपका सीपीए इंक्रीज नहीं होगा, सर आई गॉट 1 1 सर, स्पीड कम करके क्या बोला? स्पीड कम करके आपको ये ओ डैश मिल रहा है ना आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पे। हाँ वहाँ पे बुरा
Isn't it? Yes. Yeah. इतना स्पीड कम कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि 2 mile सीपीए रखना है विद रिड्यूस स्पीड ऑफ 10 knots फॉर एग्जांपल, तो ओरिजिनल डब्ल्यू को उतना कम करके वहां से कट मारना। वहां से कट मारना। तो उसमें इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सपोज 15 नॉट बोलते हैं हम, तो डब्ल्यू से आपने 15 नॉट मेजर किया, तो ये तो स्पीड रिडक्शन हो गया 15। मैं इसके लिए ले रहा हूं ताकि वो समझ में आए इसमें ना। तो ओरिजिनल 12 था हमारा, 12 12 नॉट था ओरिजिनल। इनिशियली 20 है ना, नहीं नहीं कितना है, 12 है, 12 नॉट सर। तो 6 किया अगर, देन यू हैव टू ऑल्टर ऑल्सो ना। अगर आप स्पीड रिड्यूस कर रहे हो तो सीपीए फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा। वही सर, स्पीड फिर नहीं मिलेगा ना, रिक्वायर्ड हाँ अलग हो जाएगा। अगर वो लोग पूछेंगे रिक्वायर्ड सीपीए पे इतना स्पीड जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे उधर, नहीं नहीं मिलेगा। फिर नहीं हो सकता ना, या तो आप सीपीए दीजिए या तो आप स्पीड या कोर्स ऑल्टर कीजिए। अगर मैं बोलूं कि कोर्स 30 डिग्री टू स्टार्बोर्ड किया, तो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट विल बी योर न्यू सीपीए। या तो सर वो लोग पूछे ये स्पीड तुम इतना करोगे तो कितना सीपीए आएगा। सीपीए आएगा, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर अगर इसी में जो सर यहाँ पे अगर देखा जाए सर, अगर सेम सब कुछ है तो जहां पे सर ये W से हमने एरो लगाया O डैश की तरफ, और ये ब्लैक बोल्ड लाइन जहां पे कट कर रही है सर, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लें तो सर ये वो स्पीड नहीं होगा जिससे 2 mile पे कट होगा। बिल्कुल यस। अभी ये इसमें यहां तक अगर मैं मेजर करूं तो इतना स्पीड रिड्यूस करूं तो भी मुझे सेम सीपीए मिलना चाहिए। सर सेम ही मिलेगा उस केस में बिल्कुल। सर मेरा O डैश A जो बनेगा यहाँ पे जहां आपने कर्सर रखा हुआ था, ये हाँ वो ही आ जाएगा ना सर सेम चीज। यहाँ पे ओ डैश आ जाएगा। सर एक मिनट वैभव क्या बोल रहा था, क्या स्पीड रिड्यूस करेगा, सेम सीपीए कैसे आएगा फिर। वैभव एक मिनट आई एम चेकिंग। हाँ सेम सेम सीपीए नहीं आएगा, करेक्ट नहीं सर वो एक वो लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही सर उसके साथ में। इट्स नॉट कोइंसाइड, इट मस्ट स्पीड कोइंसाइड योर ओए लाइन राइट। रिडक्शन नहीं है यहाँ पे बिकॉज नहीं है, वो नहीं फुल है। ऑर्डर करना ही पड़ेगा, लेकिन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से क्या वो। अगर ये ओ डैश ए लाइन जो है वो डब्ल्यू ओ को क्रॉस ही नहीं करनी कहीं पर, तो हमको पता कैसे चलेगा स्पीड कितना रिड्यूस करनी। स्पीड रिडक्शन नहीं है इस वाले केस में। So that is all about this question. सर एक चीज सर मैंने ट्राई किया है सर, शायद ठीक बैठेगी सर, ये जो हमारा W O डैश है सर, ये ब्लू लाइन जो आपने मारी है सर, ठीक है सर ब्लू वाला है अभी सर, यहाँ पे जो बोल्ड वाला एरो आपने ये सेंटर में लगाया है ना सर, अगर सर W यहाँ पे मूव हो जाए सर O डैश से, सर हमारा जो W तक की स्पीड हो जाएगी सर।
नहीं, आपका ओरिजिनल डब्ल्यू ओ जो है ना वो इंटरसेक्ट होना चाहिए, इजंट इट? सर यहाँ पे रिडक्शन में इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज हमारा कोर्स अगर एक पर्टिकुलर टुवर्ड्स द आइलैंड है तो सिर्फ रिड्यूस करके हम लोग सीपीए कैसे कर सकते हैं, हमको कोर्स ऑल्टर करना ही पड़ेगा, कोर्स ऑल्टर करना ही पड़ेगा, राइट? नहीं तो हम लोग उससे दूर जाएंगे ही नहीं रिड्यूस करके भी स्पीड, बिकॉज दैट इज स्टेशनरी टारगेट। कोर्स रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन के लिए आपका डब्ल्यू ओ इंटरसेक्ट होना चाहिए ट्रायंगल। हाँ सर ये सही बात है सर, अगर हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड कम करें या कुछ भी करें सीपीए कैसे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, करेक्ट, कम ज्यादा नहीं होगा, है ना? हाँ जी सर। सो वन मिनट ना, जस्ट तो पहला इंडेक्सिंग, तो आपके कॉलेज के उसमें अगर कहीं कोई सोल्यूशन वगैरह दिया हुआ है या कोई पास पेपर किया है उसको एक बार रिफर कर लेना। एक क्वेश्चन और आया था अभी रिसेंटली, उसका सोल्यूशन भी था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो आई विल सेंड इट ऑन ग्रुप, है ना? फर्स्ट विल डू एसके क्वेश्चन मार्च 2009, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके पास अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखना, अदरवाइज हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। वन सेकंड, कोस्टलाइन इन द विसिनिटी ऑफ गोयाकिल is mainly low lying and appears indistinct when approaching from north. So you are coming from north, मतलब आपका कोर्स जो है वो साउथ है। ये चीजें पहला इंडेक्सिंग में उल्टा सोचना पड़ता है। एंड देर इज अ प्रोमिनेंट लाइट हाउस सिचुएटेड 1 माइल ऑफ शोर एंड मास्टर इंटेंट टू यूज दिस एज अ टारगेट फॉर पहला इंडेक्सिंग। तो एक लाइट हाउस दे दिया आपको, द क्रॉस इंडेक्स रेंज जिसको हम पीआई बोलते हैं, पहला इंडेक्सिंग, क्रॉस इंडेक्स रेंज विल बी टेकन एज 3 माइल्स टू पोर्ट व्हेन द वेसल इज स्टेयरिंग 180। तो आप 180 स्टेयर कर रहे हो और पोर्ट साइड में आपको लाइट हाउस दिख रहा है 3 माइल क्रॉस इंडेक्स रेंज पे। यू गॉट द सिनारियो एवरीवन? यस व्हेन द लाइट अपियर्स 061 ट्रू, मतलब जब रेडार पे वो 061 हो जाएगा, द मास्टर इंटेंट टू ऑल्टर कोर्स टू 120। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पोर्ट साइड में साउथ में था वो लाइट, तो व्हेन यू आर डूइंग 180 तो लाइट कैसे चल रही है? नॉट हाँ, लाइट इज गोइंग 000। नाउ यू ऑल्टर्ड कोर्स 120, तो हाउ लाइट इज मूविंग? थ्री नॉर्थ वेस्ट सर, नॉर्थ वेस्ट के लिए सर। हाँ जीरो जीरो नंबर बोल रहे इधर। ओके, फिर वो बोलता है ऑन क्वेश्चन
वर्कशीट क्वेश्चन 5 इंडिकेट द पैरेलल इंडेक्स लाइन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैक यूजिंग द लाइट हाउस एज अ टारगेट एज दे विल अपीयर ऑन द रेडार डिस्प्ले एज्यूमिंग इट इज ऑन 6 माइल रेंज. तो आपका जो रेडार प्लॉटिंग शीट अभी आपने खोली हुई है इट इज ऑन 6 माइल रेंज. फिर वो बोलता है ऑन द वर्कशीट क्वेश्चन 5 इंडिकेट ऑन द पैरेलल इंडेक्स लाइन द पोजिशन ऑफ द लाइट हाउस व्हेन द वेसल पासेस द फेयरवे बॉय एंड डिटरमिन द रेंज एंड बियरिंग ऑफ द लाइट एट द टाइम. नोट on worksheet question 5 candidate should only indicate parallel index lines, no attempt shall be made to indicate the coastline. मतलब PI line छोड़ के आपके plotting sheet पे और कुछ नहीं होना चाहिए, दो या तीन जो भी line है that's it. अगर आप turn कर रहे हो तो light कैसे turn होगी, जब आप port alter कर रहे हो तो light कैसे जाएगी, बस वो दिखाना है. So, इसका देखिए वर्किंग कैसे होता है. तो ये आपका पीपीआई यानी कि प्लॉटिंग शीट है. यू आर गोइंग 180. ओके यू आर गोइंग 180. यहां पे एरो दिखाया, लाइट कुछ इस तरह से अपीयर हुई. पीआई लाइन 3 माइल्स, मतलब यहां से लेके आपके लाइन के बीच में 3 माइल का गैप है. ये जो स्केल एग्जाम में मिला था उसमें एक स्केल इस तरह से थी 6 माइल और 12 माइल की, तो 3 माइल पे मैंने टेंजेंट मार दिया. ये सब नहीं दिखाना है, ये खाली इनिशियल इंडिकेशन है. तो आपकी लाइट कुछ इस लाइन पे चल रही है. व्हेन दैट लाइट वाज बियरिंग 061 देन वेसल ऑल्टर्ड कोर्स टू 120. तो सबसे पहले मैंने ऑल्टर किया 120, ये लाइन नहीं दिखानी है. यू हैव टू ओनली इंडिकेट, आप खाली एज में एक एरो बना दीजिए, बीच में कोई लाइन नहीं डालनी. एंड योर लाइट विल मूव हाउ मच, 330 ना. 90 प्लस 30 इज 120, 270 प्लस 30 इज 300, नॉट 330, राइट. बस ये दो लाइन दिखानी. अब मैं क्वेश्चन पे वापस लेके जा रहा हूं. ओके एक बार क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे. कोस्ट लाइन इन द विसिनिटी ऑफ गोयाकिल इज मेनली लो लाइंग फीचर एंड वेसल अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ. दिस इज प्रोमिनेंट लाइट हाउस 1 माइल ऑफशोर. तो लाइट जो है इट इज 1 माइल ऑफशोर. मास्टर इंटेंड टू यूज दिस एज टारगेट फॉर पीआई द क्रॉस इंडेक्स रेंज 3 माइल्स. व्हेन द लाइट बियर 061 मास्टर इंटेंड टू ऑल्टर कोर्स टू 120 टू मेक द फाइनल 3 माइल. ध्यान से सुनिए, फाइनल 3 माइल अप्रोच टू the fairway boy. Master alters course to 120 to make final 3 mile approach to fairway boy. मतलब last line पे vessel कितना चला, 3 mile चला. तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे vessel center से हिल नहीं रहा है. लाइट को जो ये ब्लू लाइट दिख रहा है रेड लाइन पे 3 माइल कट करेंगे. यस वेरी गुड, यहां से 3 माइल कट करेंगे तो लाइट वहां पे, और यहां की बेयरिंग पूछी है उसने. ही इज आस्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट 5 इंडिकेट द पैरेलल लाइन the position of the lighthouse when the vessel passes the fairway boy. yani 3 mile run karne ke baad mein what will be true course and distance of that true bearing and distance of that particular light. aur mujhe mil gaya hai wo zero zero seven three point two.
एवरीवन प्लीज डू इट ऑन योर दिस थिंग. आई एम शोइंग यू क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार. जो रेड लाइन जो बना है 3001 2 0 का, हाँ बोलिए. व्हेन द लाइट बी 06 का. हाँ तो पहला रन 3 माइल के क्रॉस इंडेक्स पे बना दीजिए वो बना दो. और 061 पे ऑर्डर कीजिए. जीरो सिक्स वन जहां पे कट कर रहे हैं वहां. हाँ जीरो जीरो सेवन 3.21. जीरो जीरो सेवन 3.21. या वेरी गुड. एनीवन एल्स?
सर ये लास्ट पार्ट जो था 3 माइल वाला, सर ये क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है सर, ये समझ भी नहीं आ रहा। तो ये वाला पैरा पढ़िए, तो व्हेन द लाइट बियर 061 मास्टर इंटेंड टू ऑल्टर कोर्स 120 टू मेक द फाइनल 3 माइल अप्रोच टू फेयरवे बाय। तो ये 3 माइल आपको नीचे लगाना है। सर ये हम फेयरवे बॉय को ही पैरेलल इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं क्या सर? सर नहीं, तो वो तो लाइन पे लाइट ना, इज वहां पे लिखा है वो देयर इज अ प्रोमिनेंट लाइट हाउस सिचुएटेड 1 माइल अशोर ऑफ। या 1 माइल अशोर है वो। तो सर ये मतलब इसका सिचुएशन सर, ये जो है इसमें फेयरवे बॉय सर, ये कैसे पता चलेगा सर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लास्ट में। टू मेक द फाइनल 3 माइल अप्रोच टू फेयरवे बॉय। ऑल्टर करने के बाद आपको 3 माइल चलना है फेयरवे बॉय पर, और जब फेयरवे बॉय पे जहाज पहुंचेगा, व्हाट इज द बियरिंग ऑफ लाइट? तो 2 लाइन खींचने के 20 मार्क्स। 20 मार्क है। वेबाउ नाउ इट्स क्लियर। जस्ट ये बी पार्ट पढ़ रहा हूँ एक बार फिर से। सर ये वाला जो पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके सर, सर ऐसा किया कि क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज बहुत ट्रिकी देते हैं सर ये लोग। ये भी बोनस क्वेश्चन ही है। हो गया सबका? बेयरिंग 0 0 5 आया क्या सर? जीरो जीरो सेवन था। जीरो जीरो सेवन 3.2। ओके, सर लेकिन रेंज चेंज होएगा क्या सर? कौन सा रेंज? 1 मिनट सर।
हाँ जी सर, रेंज तो चेंज हो गई। ठीक है सर, 3.2 ही आया। दैट्स इट। पार्ट सी बोलता है डिस्क्राइब द प्रिकॉशन दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन यूजिंग पैरा इंडेक्सिंग टेक्निक। आपने जहाज में पैसेज प्लान किया होगा उसमें दिखाते हैं ये सब। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। व्हेन यूजिंग रेडार फॉर पोजिशन फिक्सिंग चेक आइडेंटिटी ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट रेडार्स ओवरऑल परफॉर्मेंस जायरो एरर एंड एक्यूरेसी ऑफ द हेडिंग मार्कर अलाइनमेंट पैरा इंडेक्स लाइंस आर करेक्टली पोजिशन ऑन सुटेबल डिस्प्ले एंड एक्यूरेसी ऑफ वेरिएबल रेंज मार्कर VRM बेयरिंग कर्सर एंड फिक्स्ड रेंज रिंग्स। ये सबका आप एक्यूरेसी चेक करेंगे और आपको पता होना चाहिए। राइट। यस सर। चलो मार्च 2015 क्वेश्चन नंबर 5। ऑन रिटर्न वॉयज द वेसल फॉलोज द रिकमेंडेड रूट एंड इज अप्रोचिंग द रॉक ऑफ जिब्राल्टर ऑन अ कोर्स ऑफ 2 to 7 विद इंटेंशन टू एंकर इन जिब्राल्टर बे। यूरोपा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन जिब्राल्टर एंड मास्टर हैड डिसाइडेड ऑन 2.5 माइल क्रॉस रेंज इंडेक्स टू स्टारबोर्ड। द रेडार इज सेट ऑन रिलेटिव मोशन ग्राउंड स्टेबिलाइज डिस्प्ले। व्हेन यूरोपा पॉइंट इज अबीम टू स्टारबोर्ड द कोर्स इज ऑल्टर्ड 270 फॉर 3 माइल्स एंड द कोर्स इज देन अगेन ऑल्टर्ड 3 to 5 डिग्री फॉर 4 माइल अप्रोच इन टू द बे। ये एक्चुअल सिचुएशन है। तो ऑन वर्कशीट क्वेश्चन 5 ड्रॉ पैरेलल इंडेक्स लाइन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रैक टू एंकरेज पोजिशन एज दे वुड अपियर ऑन 6 माइल रेंज। टू पॉइंट फाइव माइल क्रॉस करेंगे सर स्टारबोर्ड में। ये आपको खुद से पढ़ के खुद ही समझना है और अपनी प्लॉटिंग शीट पे इसको प्लॉट कीजिए।
सर 115 4 माइल्स। तो प्लॉट आपका स्टार्ट इस तरह से हो रहा है। हाँ सर, उसके बाद Then vessel altered course when she was abeam. यस Okay, heading यहाँ पर। Three वहां से 3 माइल्स, mile, yes. उधर से नीचे की तरफ 4 माइल्स। How much you are getting? 115 4 माइल्स। Getting 112 4 mile, है ना? इट्स ओके okay. तो आपके प्लॉटिंग शीट में सिर्फ ये तीन लाइन दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, पी आई पूरा थ्रू एंड थ्रू दिखाना है, मतलब वहां से ब्लू से हाँ स्टार्ट कैसे पूरा करना पूरा है। हम लोग ओके रेडार पे भी पूरा ही मारते हैं ना। ओके, मैंने वहां से स्टार्ट करके दिखाया है। नहीं, पूरा पूरा फुल अक्रॉस द पेपर। और इसको कोई नेमिंग की जरूरत नहीं है। ओके नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करना है उसमें। सर, 1 मिनट लास्ट पार्ट रह गया इसका सर, 1 मिनट। वैसे तो मेरे को सर 114 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 114, क्वेश्चन देखना है आपको। एक हाँ जी सर, वन सेकंड वन फोर फोर माइल्स आया मुझे। वन सेकंड। थ्री टू फाइव पे करके उस पर 4 माइल्स काट के फिर नीचे। अच्छा विवेक फिर से बोलो। नहीं नहीं सर, वो देख रहा था 4 माइल्स कट करके फिर नीचे आएगा वो, फिर 1 1 4 आएगा थोड़ा खाली। सर वो ऑल्टरेशन के लिए खाली एक एरो दिखाना, वहां पर लाइन वाइन कुछ नहीं ना। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्लियरली बोलता है कि आपके प्लॉटिंग शीट पे कुछ नहीं होना चाहिए अदर देन पीआई लाइन। सर इसमें वैसे तो किया सर मैं, ये 4 माइल वाला जो लास्ट में है ना सर, 3 माइल्स पे जब था वो हमने 270 ऑल्टर किया था टू लास्ट में। सेवन जीरो पे 3 माइल चलिए। ओके हाँ सर, वो पीछे आ गया सर, वहां पे okay. किया, फिर 3 to 5 पे ऑल्टर किया सर। उस पॉइंट पे सर, जहाँ पे 3 to 5 पे ऑल्टर किया, बस उसी में 4 माइल पे पीछे जाके एकदम से बेयरिंग लेना है ना सर। हाँ 4 माइल पे जाके आपको देखना है कि लाइट कहाँ पे। 4 माइल पे कट करके फिर बेरिंग लेना है, फिर 114 आता है उधर से। पर ये कुछ ऐसा अपीयर नहीं हो रहा जहां पे हमने 3 to 5 ऑल्टर किया है सेम टाइम पे ही, तो एक तरीके से सर हम चेक कर रहे हैं 4 माइल पीछे। 3 to 5 रन पे आप 4 माइल चलिए पीआई लाइन पे, तो दैट इज द पोजिशन ऑफ लाइट इजंट इट। यू आर गेटिंग इट वैभव? हाँ सर, जैसे ये 4 माइल्स चलेंगे तो सर वो पीछे वाला ही दिखाई देगा ना सर, मुझे कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे वो साथ में आ जाएगा सर। नहीं, पीछे दिखाई देगा, पीछे दिखा। वो पोजीशन को सर्कल वगैरह करना है, जो कौन सा सर्कल? लास्ट पोजीशन है उसको। हाँ वहां पे दिखा दीजिए ना सर्कल की लाइट यहाँ पे करके, अदरवाइज हाउ यू विल टेक बियरिंग। लास्ट मिला ना, उस पे एक सर्कल बना दिया। हाँ यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए।
इसमें खाली क्वेश्चन 7 है बस, बाकी इजी है सर, ये थ्रेड एफ प्लॉटिंग से ज्यादा इजी है। ये बहुत इजी होता है, सबसे इजी टॉपिक यही है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिसेंट वाले थे मुझे दिख नहीं रहा है वो अभी। सभी 2022 में भी आया था सर, ये पहले इंडेक्सिंग का भी आया, देखा था मैंने। तो वाला क्वेश्चन ग्रुप में डाल के जरा वो करते हैं, उसका सोल्यूशन उसको सॉल्व भी किया है मैंने, पर वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। लेट एवरी वन कंफर्म यू हैव डन। यस सर, आई हैव डन। सेम क्वेश्चन एक डिस्क्रिप्टिव पूछा है इसमें कि वॉट प्रिकॉशंस यू हैव टू कैरी आउट, तो दीज आर द प्रिकॉशंस एंड स्टेट 5 प्रिकॉशंस द ओडब्ल्यू शुड कंसिडर फॉर दिस पार्ट ऑफ पैसेज, पैसेज प्लानिंग वाला पार्ट आ गया। तो वेसल इज डूइंग कोस्टल नेविगेशन राइट, तो चेक फॉर अपडेट्स, नेविगेशनल वार्निंग, मॉनिटर VHF फॉर एनी इंस्ट्रक्शन, देन कमेंस रिड्यूसिंग स्पीड, एंश्योर वेसल इज नॉट सेट ऑन टू द लैंड, स्ट्रॉन्ग टाइडल स्ट्रीम्स, मॉनिटर आउटबाउंड ट्रैफिक, कैन बी ऑल्टर टू स्टारबोर्ड इफ रिक्वायर्ड, कैन नॉट सी राउंड कॉर्नर्स, तो मॉनिटर AIS, चेक नो अदर वेसल एंकर्ड इन योर चोजन पोजिशन, मॉनिटर विजिबिलिटी, एंश्योर एंकर पार्टी इज रेडी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दीज आर द प्रिकॉशंस व्हाट यू हैव टू। सो तो दैट्स ऑल, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें मैं बता दूं, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, पहला इंडेक्सिंग, सबसे पहले यू हैव टू चेक योर रेडार इज ऑन व्हाट रेंज। वो 3 माइल भी हो सकता है, इट कैन बी ऑन 3 माइल रेंज ऑल्सो। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो 3 माइल पे था और उसकी जो PI लाइन थी आपके रेडार प्लॉटिंग के बॉर्डर पे जाती है। तो उसमें बच्चों ने मिस्टेक किया, किसी ने 6 माइल किया, किसी ने कुछ किया, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था जो 2022 का बोल रहा है, शायद उसी वही क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व भी किया पर पता नहीं कहाँ चला गया, आई विल शेयर इट ऑन ग्रुप। तो उसमें देयर इज वन लाइट, वेसल इज प्रोसीडिंग, और उसमें आपको वी लोअर पोजिशन दिया हुआ है। उसने बोला देयर इज अ लाइट एंड वेसल हैज टू ऑल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड एंड वी लोअर पोजिशन,
तो रिमेम्बर वेसल इज ऑलवेज एट सेंटर, सेंटर में लाइट वाइट को नहीं रखना है, वेसल सेंटर में, तो जो लाइट है वहां पे जब आप ऑल्टरेशन दिखाओगे तो व्हील ओवर जो आपका 0.5 माइल या जो भी दिया है वो आप वहां पे कट करोगे पीआई लाइन पे, नॉट ऑन वेसल। फिर उसने वेसल ने ऑर्डर किया तो वो वाले इसमें जो है ऐसा राउंड एक कर्व बनता है, यूजिंग योर कंपास आपको कर्व बनाना है फ्रॉम दिस बियरिंग टू दैट बियरिंग, बस इतना ध्यान रखिए। ओके डिस्टेंस जो है व्हील ओवर का उतना कंसिडरेशन मिले, हाँ उसको कंसिडर करना है अभी आपको। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट कट बन रहा है शार्प वैसा नहीं हाँ बन राइट, उसमें व्हील ओवर दिखाना है आपको, उसको भी शॉर्ट में लिखना है, कट मार के आपको लिखना है व्हील ओवर, WO व्हील ओवर पोजिशन, बस खत्म, जैसे चार्ट पे करते हैं हम लोग, राइट। जब बहुत से बच्चों ने बोला अरे वो टर्न मारना है तो लाइट को सेंटर में डाल देते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट डू ऑल दैट मिस्टेक, यू हैव टू पुट वेसल इन द सेंटर, रडार में हमेशा हम सेंटर में ही रहते हैं ना, तो डोंट पुट एनीथिंग इन योर सेंटर, जैसा आप ऑल्टर कर रहे हो पीआई लाइन उसका उल्टा जाएगा, अगर आप स्टारबोर्ड ऑल्टर कर रहे हो तो लाइट पोर्ट में जाएगी, बस इतना ध्यान रखना इसका, ठीक है। सो एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस इन फ्यूचर जस्ट पोस्ट इट ऑन ग्रुप, राइट, तो ये ग्रुप में लाइव रखूंगा, तो आई विल बी विथ यू टिल योर एग्जाम्स, डोंट वरी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस, कोई पास्ट पेपर में दिख गया या नए पेपर में कोई क्वेश्चन है जिसको आपको डिस्कस करना है, तो वी ऑल कैन agree and meet on some particular day, particular time, है ना, तो मिलके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट पोस्ट दिस इन ग्रुप इन एडवांस सो दैट मुझे भी पता रहे कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इंक्लूडिंग एवरीवन। चलो तो शैल वी कंक्लूड हियर, यस सर, So all the best, guys. Thank you. Keep in touch. Thank Keep me informed what about your progress. Hopes everything will go all right. So what time next class? Next class. एक टॉपिक छूट गया था, देखा मैं पकड़ा उसको बराबर. Yesterday I was going through all the past videos. मैं बोला कौन-कौन सा टॉपिक, you know, कहीं there was a intuition की कुछ छूट रह करके. Then I made out ki wo quotite chhut gaya. So we'll meet in half an hour. Yes. Or, right? I think it will do. Thank you, sir. Chalo, we conclude then? Yes, sir. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye.